गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में क्लास टू फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पानी की अहमियत चैप्टर पढ़ाई थी, आज आप लोगों का उसका क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग होगा। तो फर्स्ट में है अहमियत, अहमियत मीन्स होता है ज़रूरत। सेकंड में है मिकदार, मिकदार मीन्स होता है ज़रूरत के हिसाब से। थर्ड में है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ मीन्स होता है अलग अलग। फोर्थ में है हमेशा, हमेशा मीन्स होता है हर बार। फाइव में है लू, लू मीन्स होता है गर्म होना। सिक्स में है दौड़ कर, दौड़ कर मीन्स होता है बहुत तेज़ी से। सेवन में है चुस्ती, चुस्ती मीन्स होता है जिस्म का खुश रहना। एट में है सैराब, सैराब मीन्स होता है पानी से सिंचाई करना। नाइन में है बर्बाद, बर्बाद मीन्स होता है बेकार कर देना। यहाँ हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की है, इसका आंसर होगा हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत पानी की है। सेकंड में है पानी हमेशा कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा पानी हमेशा साफ इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड में है बाबर के दादा कहाँ से आए थे, इसका आंसर होगा बाबर के दादा बाजार से आए थे। फोर्थ में होगा खाना बनाने के लिए कैसे पानी की ज़रूरत होती है, इसका आंसर हो खाना बनाने के लिए साफ पानी की ज़रूरत होती है। फाइव में है बाबर की माँ क्या धो रही थी, इसका आंसर होगा बाबर की माँ कपड़े धो रही थी। यहाँ है सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। पानी की ज़रूरत नहीं, पानी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि पानी ज़िंदगी की ज़रूरत चीज़ है, पानी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड में बाबर के दादा बाज़ार गए थे, ये सही है। थर्ड में रोज़ाना 2 लीटर पानी पीना चाहिए, ये गलत है। चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाई थी 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। फोर्थ में हमें तालाब के पानी में नहाना चाहिए, ये भी गलत है। फाइव में है बाबर की माँ बर्तन धो रही थी, ये सही है। यहाँ है दर्ज झेल सवालों के 2 जवाब लिखे हुए हैं, एक सही जवाब के आगे सही का निशान लगाइए। लू किसे कहते हैं, गर्म हवा, ठंडी हवा, तो ठंडी हवा गलत हो जाएगा, गर्म हवा को लू कहते हैं, ये सही हो जाएगा। बाबर पानी भर लाया किस चीज़ में, जग में कि ग्लास में, तो जग में पानी लाया था इसलिए जग सही हो जाएगा, ग्लास गलत हो जाएगा। कुएं का पानी कैसा होता है, मीठा और ठंडा या गंदा और गर्म, तो गंदा और गर्म गलत हो जाएगा, मीठा और ठंडा सही हो जाएगा। यहाँ दर्ज झेल के मतजाद लिखिए, ज़िंदगी का होगा मतजाद, मतजाद मीन्स उल्टा, ज़िंदगी का होगा मौत, गर्म का होगा ठंडा, अच्छी का होगा बुरी, साफ का होगा गंदा, इंसान का होगा हैवान, बर्बाद का होगा आबाद। तो बच्चों, जो भी मैं आप लोगों को लिखवाई हूँ वो आप लोग अपनी अपनी बुक में, कॉपी में लिखिए और इसको याद करिए। थैंक यू।